समीपस्थ आदर्श ग्राम बरखेड़ा में स्थित माँ जोगनिया माता मंदिर पर शनिवार को माता के भक्तों में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। विवाद में 8 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें एक ही पक्ष के महिला पुरुष घायल हुए हैं। घायल हुए एक पक्ष के लोगों ने बरखेड़ा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवाद के दौरान हमने बरखेड़ा पुलिस को सूचित किया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां पर पुलिस नहीं पहुंची, और जब तक पुलिस पहुंची तब तक विवाद करने वाले वहां से भाग गए। इस दौरान हमारे मोबाइल एवं मंगलसूत्र पर्स गायब हो गए। घटना के बाद घायलों को 108 की मदद से आलोट के शासकीय चिकित्सालय में लाया गया। जानकारी के अनुसार महिदपुर सिटी से लगे ग्रामीणों का एक पूरा परिवार जोगनिया माता मंदिर पर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद दर्शन के लिए आया था, और यहां पर यह सभी लोग खाना खा रहे थे। उसी समय दूसरे पक्ष के लोगों की ओर से एक व्यक्ति ने विवाद प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते यह विवाद लात घूसों में बदल गया। बरखेड़ा पुलिस ने खूनी संघर्ष वाले इस मामले में फरियादी बाबूलाल भेरूलाल मोई निवासी गोंदी शंकर थाना रिगनौंद की रिपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए हमलावरों की खोजबीन जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर लाखन सिंह भूरिया ने बताया कि बाबूलाल भेरूलाल भोई की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या नाम है आपका? कालू। कार्य तो पर्वत खड़ा रहता। क्या मामला है? अरे भाई साहब, जो हमारे भाई साहब को ऊपर पड़े हैं, जो हमारे भाई साहब जा रहे थे तो रास्ते में कोई उनका पंडाल था, उसमें गए पंडाल करने तो कोई व्यक्ति उनका नशपत्ति में उनके ऊपर पड़ गया, तो दोनों पति पत्नी जा रहे थे, उसमें ऊपर पड़ने से उनने भाई साहब अंदर आए तो भाई साहब हम जा रहे हैं, तो उसमें नशपत्ति वाला आदमी ऊपर पड़ा, वरने में हमारे भाई साहब ने क्या यार भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतने में आदमी बोला यार उसको मार रहे हैं, कम आए इतने में तो उनने वो सब पत्थर चालू कर दिए। छोड़ाने गए थे हम जाके ना, हम छोड़ा था तो उनने पीछे से पत्थर से वार कर रहे हैं, सब पत्थर से लकड़ी से इतने मंदिर में ही कौन वो लोग जो थे वो पुरानी दुश्मनी है क्या? जान पहचान वगैरह पुलिस ने नहीं पकड़ा, बिल्कुल नहीं, इनको तो बाद में सबको बाद में लाए। कहा रहे थे? जगदीश किताब बाबूलाल जी। क्या हुआ था? अवन सर हम गए थे मेहमानी में, गए थे तो वहाँ से आ रहे थे साहब, तो हमारे एक रिश्तेदार को मार रहे थे साहब, हम छुड़ाने गए। कौन मार रहे थे? अरे साहब को कोई दूसरा आया था, मान उतार आया था वहाँ। कितने लोग थे? तो 20-25 जने थे, छोरे छोरे थे, दो टेम्पू लेके आए, सब टेम्पू थे, दो टेम्पू लेके आए, हम छुड़ाने गए साहब, मेरा भाई सब छुड़ाने गए थे यार, मार रहे अपने छुड़ाने गए, तो सब मैं छुड़ाने गया, मेरे पाचे थे पत्थर की थी साहब, पांच टांगे आए मेरे और मेरे भाई के आए चार टांगे, योगी जी को छोड़ा गया हमारे योगी जी, उनके रहा योगी जी सब, हमारे भी मानी योगी जी हमारे टांगा आए, हमारे भाई माँ भतीजा वो छोटो वो छोड़ा हुआ पापा मारे वो छोड़ा मेरे भी पाँच टांगा। पता चला उनका कौन लोग थे अभी तक? पता चला कौन थे? पता तो कहीं चल गया, क्या रहा है साहब, कही रहा अपने खेड़ा वाला के टेम्पू गए तो आ गए उसमें सलाह जी, और वो हमने हमारे गाड़ी के पास में कार्यक्रम करा, हमने ना हाथे रह के झगड़ा करके गए। कौन लोग थे पता चला? उनका पता ही नहीं चला हमको कि कौन थे वो, और वो हमारे चोरी माथे धर रहे हैं। कितने लोग थे हम? मतलब 50 आदमी थे, 50 लोग, 50 औरतें सभी थे। ये रास्ते में निकल रहे, अब मानने वाला कौन था क्या मालूम नहीं हमको। विवाद मंदिर में ही हुआ? मंदिर में बाहर हुआ, मंदिर के बाहर चढ़ते घाटे चढ़ते अपन चले। किस किस को लगी, नाम बताओ? चार मोबाइल, दो मंगलसूत्र, एक पर्स। सर जोगनिया माता मंदिर पर दो पक्षों में विवाद क्या है, क्या मामला है? ये बाबूलाल तथा भैरूलाल भोई है, ये निवासी गोदी शंकर का है, इसके परिवार में एक बच्चे की मान्यता थी, तो उसकी मानता को उतारने के लिए आए थे, इन लोगों ने खाना बनाया था, इसके पास में दूसरा पक्ष जो था वो भी कोई मानता उतारने के लिए आया था, तो महिला और पुरुष झगड़ रहे थे, तो वो ये समझे कि ये हमारे पक्ष के लोग हैं, इसी बात को लेकर वो बीच बचाव करने गए, और इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद दो ही तरफ से घायल हुए थे, मगर एक पक्ष रिपोर्ट के लिए यहां आ गया था, दूसरा पक्ष वो इलाज के लिए सीधे आलोट चला गया था, एक पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा कायम किया और विवेचना में लिया है, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे,
जिनका इलाज कराया है, प्रकरण अभी विवेश नाम है। सर किसकी रिपोर्ट पर किस किस के खिलाफ कार्रवाई की गई है? लगभग अज्ञात लोगों के खिलाफ, बाबूलाल भोई है जिसकी रिपोर्ट पे हमने अज्ञात लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, और सीसीटीवी फुटेज से वो लगभग पता चल जाएगा कि उसमें कौन लोग है, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। सर कितने लोग घायल हुए? इस पक्ष के 9 लोग घायल हुए, उन 9 लोगों के हमने एमएलसी कराई है।